आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं खान सर की एक और वीडियो, लेकिन कौन सी बताएंगे मौजा। टाइटल है इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्लेक्सी फ्यूल शुगर एक्सपोर्ट बैन बायोफ्यूल। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, काफी मुझे साइंस से रिलेटेड लग रही है। गाइस देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जय हिंद। देखिए एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है और इसके लिए फ्लेक्सी फ्यूल ही क्यों जरूरी है, इंजन में क्यों बदलाव किए जाते हैं, और इसके मद्देनजर भारत सरकार चीनी के निर्यात पर पूरी तरह बैन लगा दिया है, जबकि भारत के पास वर्तमान समय में 8 मिलियन टन चीनी गोदामों में रखा हुआ है, अर्थात भारत के पास चीनी की कोई कमी नहीं। तो पूरे चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए एथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है, पेट्रोल में जब इथेनॉल मिला दिया जाता है, इथाइल अल्कोहल, तो उसे मिक्सचर ना बोल के ब्लेंडिंग बोला जाता है। ये फायदेमंद होता है, इससे थोड़ा सा पेट्रोल का पैसे बच जाते हैं। इसमें 85% जो होता है वो पेट्रोल होता है, 15% जो होता है इसमें इथेनॉल होता है। हालांकि भारत सरकार का टारगेट है कि 2025 तक इसे 20% इसमें एथेनॉल मिला देना है, और एथेनॉल मिलाने की क्रिया को एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भारत के पास बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है। हमारे पास दुनिया में 3rd नंबर पे हम लोग आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हमारे भारत में कई अलग अलग टाइप की व्हीकल्स बनते हैं, जिसमें 26 मिलियन व्हीकल्स पर ईयर भारत में बनाए जाते हैं। इस 26 मिलियन व्हीकल में से लगभग 5 मिलियन व्हीकल्स हर साल हम लोग निर्यात कर देते हैं। तो हम लोग के पास जो 26 मिलियन जो बच रहा है, यहाँ पे टोटल ओवरऑल मतलब अगर भारत में देखेंगे तो लगभग 20 मिलियन गाड़ियाँ हर साल बन रही हैं, और उसमें जो फ्यूल पड़ रहा है वो पेट्रोल से आ रहा है, और पेट्रोल हमारे पास तो होता नहीं। हम लोग 80% पेट्रोल जो है वो बाहर से ही मंगाते हैं। अब जो पेट्रोल बाहर से आ रहा है वो तेल के कुएं या रिग से आ रहा है, ये गल्फ कंट्री के पास है, इन्हें हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं, जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, बैरल यानी बैरल में इसे खरीदा जाता है, फिर इसे रिफाइनरी में छानकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। इससे क्या है कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा पैसा विदेशियों के पास चला जाता है कच्चा तेल खरीदने में। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि भारत सरकार प्रति साल कितना विदेशी लोगों को यानी गल्फ कंट्रियों को कच्चे तेल के बदले पैसा देती है, $65 बिलियन देती है। $65 बिलियन कितना हो गया, 50,41,17,57,50,000 रुपए प्रति साल भारत सरकार का पैसा जाता है। हम लोग टैक्स पेयर का पैसा विदेशियों के पास चला जाता है, जो केवल जमीन से निकाल के पेट्रोल दे देते हैं। अब सोचिए ना, जैसे हम लोग के यहाँ अगर कोई पानी खरीदता 60 रुपया लीटर तो कितना अमीर हो जाते हैं हम लोग। तो इतना पैसा जाता है, सोचिए अगर इस पैसे का हम 20% टारगेट रखे हैं कि इसमें पेट्रोल के जगह इथेनॉल मिला देंगे, तो इसका 20% कमी आएगी ना। सोच सकते हैं, निकालते रहिएगा इसका 20% कितना ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग एथेनॉल को कर रहे हैं, और एक बार एथेनॉल सक्सेस हो गया ना तो 20% की जगह 30% करेंगे, 30% की जगह 50% कर देंगे, और धीरे धीरे करके 80% कर देंगे। तो 80% कर देंगे तो इन लोग को पैसा देने की जरूरत क्यों है, एथेनॉल हम लोग खुद ही बना सकते हैं। ई नहीं बना सकता है एथेनॉल, इन लोग को उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। एथेनॉल जो होता है C2H5OH होता है एथेनॉल, इसे इथाइल अल्कोहल कहा जाता है, इसका IUPAC नाम एथेनॉल हो जाता है। शराब बनाने के काम में यही आता है, शराब में भी इथेनॉल ही मिलाया गया रहता है, और जो हम लोग देखते होंगे सैनिटाइजर होता है उसमें भी देखिएगा 70% इथेनॉल लिखा रहता है, सैनिटाइजर में भी इथेनॉल ही होता है। इसे फर्मेंटेशन यानी किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है, और इसे पेट्रोल में क्या किया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। टारगेट है 20% को मिक्स करने का, अगर ये सक्सेस हो गया तो इसे बढ़ा के हम लोग 50% भी ले जा सकते हैं, लेकिन जब बढ़ाएंगे लोग तो उसके लिए हम लोगों को अपने इंजन में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारी इंजन है वो कंप्लीट डीजल और पेट्रोल पे चलने के लिए डिज़ाइन की गई है, लेकिन जब हम लोग उसमें एथेनॉल मिलाएंगे तो इंजन में हल्का चेंजिंग करना पड़ेगा। ऐसे इंजन के लिए हम लोग फ्लेक्सिबल इंजन बनाते हैं, और उसमें जो फ्यूल पड़ेगा फ्लेक्सी फ्यूल। तो भारत सरकार काफ़ी सख्त निर्देश देने वाली है कंपनियों को कि उनको एक टाइमलाइन दे दिया जाएगा कि इसके बाद आपको फ्लेक्सी फ्यूल वाले इंजन यानी फ्लेक्स इंजन ही बनाने पड़ेंगे। याद कीजिए 2018 का जब समय था, 2017 में 17 के लास्ट में सरकार ने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि अब BS3 की गाड़ियां नहीं चलेंगी, सब चलेंगी BS4। रातों रात बेच के हटाना पड़ा कंपनियों को। उसी तरह सरकार भी इन लोगों को अभी वार्निंग दे रही है, फिर कभी सख्त आदेश देगी, उसके बाद एक बार फैसला सुना देगी, तो सारी कंपनियों को अपने BS6 के जगह फ्लेक्सी फ्यूल डालना पड़ेगा। इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है फ्लेक्सी फ्यूल से। सबसे पहला कि प्राइस घट जाएगा, पेट्रोलियम का प्राइस इसलिए घटेगा क्योंकि बाहर से मंगाना नहीं है, हम लोग का प्राइस घट जाएगा। दूसरा कि फ्लेक्सी फ्यूल अगर रहेगा, एथेनॉल रहेगा, तो एथेनॉल में पोल्यूशन कम होता है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषण की समस्याओं को हम लोग लेके झूल रहे हैं, उनके लिए एक काफ़ी अच्छा ये किफ़ायती रास्ता हो जाएगा हम लोग के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग। और इसके लिए हम लोग को एथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ाना पड़ेगा, प्रति वर्ष
500 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करना पड़ेगा। सोचिए 500 करोड़ लीटर। अब इतना एथेनॉल का उत्पादन करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा बाहर। अगर अकेले बिहार में 4 से 5 एथेनॉल प्लांट लगा दिए गए, इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए रोजगार डायरेक्ट कम दिखता है, इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार दिखता है। तो कहीं पर भी अगर देखिएगा किसी एरिया में अगर वहाँ 20 फैक्ट्री आ गई ना, 20 फैक्ट्री, तो कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो आप ये मत देखिए कि 500 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष, इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उसका एक पूरी तरह सप्लाई चेन बन जाएगा। कैसे कि एथेनॉल बनता कैसे है, अनाज को सड़ाकर, यानी जो हम अनाज फेंकते हैं ना उसी को सड़ा के एथेनॉल बना लिया जाता है। तो एक तो वेस्ट बचेगा हम लोग के यहाँ, दूसरा इसे गन्ना से बनाया जा सकता है। चावल जो टूट जाता है बाजार में सस्ते दाम पर बिक जाता है, किसान का चावल टूट गया तो उसको खुद्दी बन जाता है, तो उसी चावल को सड़ा के ये एथेनॉल बना लेता है। मक्का जो है इसका कोई भाव नहीं मिलता है, 6 रुपये किलो किसान का मक्का सरकार को, किसान बेचने के लिए मजबूर हो जाए 6 रुपये किलो। अब उसको ना छुपाया कैसे जाता है, किसानों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है, तो सरकार कहती है हम 6 रुपये नहीं ना खरीद रहे हैं, हम 600 रुपया प्रति 100 kg यानी प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं। अजब हाल है भैया, तो 1 रुपया 6 रुपया ना किलो पड़ा, तो किसान को 100 रुपये का भाव कौन सी बताता है, 1 किलो का बताओ ना, आम आदमी को भी समझ में आता कि तब ना लोग सवाल उठाएंगे कि किसानों का इतना दुर्दशा क्यों है। आप सोचिए आप एक ठो मक्का खरीदिएगा ना एक ठो ठेला पे से, तो 5 रुपया 10 रुपये का मिलेगा, और किसान से 1 किलो खरीद लिया जाता है और बेचारा उसको कितना दिया, 6 रुपया किलो मजबूर है। लेकिन जब इस मक्के का उपयोग किया जाएगा एथेनॉल बनाने में, तो किसान भी अपना बढ़िया दाम में बेचेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका प्रोडक्शन होने लगेगा। जौ कोई बोलता नहीं है जल्दी, हमारे यहाँ पराली जो जला दिया जाता है, धान की भूसी जो होती है या फिर जो पुआल होता है जला दिया जाता है, तो उसे सड़ा के एथेनॉल बना लिया जाएगा। अब इतना एथेनॉल बनेगा तो रोजगार भी मिलेगा, और हम लोग जो पेट्रोल खरीदते हैं उससे अच्छा हम किसानों से खरीदेंगे। जो पैसा आज हमारा फॉरेन रिजर्व गल्फ कंट्रियों को जाता है पेट्रोलियम के भुगतान करने के लिए, वो पैसा हमारे किसानों के आ जाएगा, किसान आगे बढ़ेंगे हमारे यहाँ, उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए भारत सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा मतलब प्राइम फोकस करके रखा हुआ है भारत सरकार। लेकिन एक बार जरा अपने दिमाग से सोचिए, ये चीज़ तो पूरी दुनिया में सक्सेस है और भारत में भी सक्सेस होगी, तो धीरे धीरे गन्ना शिफ्ट हो जाएगा किधर, एथेनॉल प्लांट में। और जैसे गन्ना ज़्यादा एथेनॉल प्लांट में शिफ्ट होगा, चीनी का उत्पाद, चीनी का प्रोडक्शन घटेगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो भारत सरकार को एथेनॉल और चीनी दोनों को बैलेंस करके रखना है। इसलिए भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर बैन लगा दिया, कहा कि हम चीनी बेचेंगे ही नहीं, क्योंकि फिलहाल जो चीनी है उसी को हम लोग स्टॉक करके रखेंगे, ताकि हम जो आने वाले सीजन में जो गन्ना निकलेगा उसमें ज़्यादातर गन्ने को एथेनॉल प्लांट में भेजा जाएगा। अब ज़्यादातर को भेज देंगे वह चीनी के लिए नहीं बचेगा, भारत में महामारी हो, पूरा भयानक कम महंगाई है भारत में, चीनियों महंगा हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए इस पर निर्यात पर रोक लगाया गया। हालांकि भारत में चीनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, चीनी का प्रोडक्शन 35 मिलियन टन है हम लोग के पास, चीनी का प्रोडक्शन, हालांकि इसका उत्पादन जो है वो 27 मिलियन टन है, यानी 8 मिलियन टन एक्स्ट्रा हमारे पास है। 35 मिलियन टन उत्पादन है, 27 मिलियन टन चीनी का उपभोग है, चीनी का डेली रेगुलर बेसिस पे उपभोग होता है हम लोग के यहाँ, चाय में होता है, बिस्किट में होता है, तरह तरह की कैंडी मिठाइयाँ छोटे बच्चों के लिए खाने के लिए आता है, लेमचूस उमचूस यहाँ पर मिठाई देखिएगा, जलेबी रसगुल्ला जितना सब चीज़ में चीनी पड़ता है हमारे यहाँ चीनी। और जो पैकेट वाली सामानें बिकते हैं कभी मंच तुका दुका किटकैट उटकैट ये सब छोटका लड़का ज़्यादा जानता होगा, सब हम लोग को कौन सी पता ये सब मतलब वो सबको, तो यहाँ पे जो है ना ये इस सब में चीनी पड़ता है, तो चीनी का हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, 27 मिलियन टन प्रतिवर्ष डिमांड है। तो हम लोग के पास 35 मिलियन टन उत्पादन है, 27 मिलियन टन खर्च है, यानी बफर स्टॉक में हम लोग के पास अभी भी 8 मिलियन टन जमा है। बफर स्टॉक किसे कहते हैं, सरकार जो अनाज को सरप्लस उत्पादन के समय जमा कर लेती है गोदामों में, उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। बफर स्टॉक रखने की जिम्मेदारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को है, FCI को है, बड़े बड़े गोदाम होते हैं इसी में रखा जाता है, छोटा मोटा नहीं बड़ा सा गोदाम होता है, इसे ही कहा जाता है बफर स्टॉक। इसलिए भारत सरकार क्या की है, फ्यूचर प्लानिंग में बैलेंस न गड़बड़ाए महंगाई का और सप्लाई का, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया। अभी आप देखे होंगे चीनी पर बैन लगा दिया गया, गेहूँ पर बैन लगा दिया गया, चावल पर बैन लगा दिया, क्योंकि टूटे हुए चावल से भी मेथनॉल बन जाता है। अभी तुर्की जो है गेहूँ को वापस कर दिया, देखिए बहाना करके कि इसमें वायरस था, तो जरा अफगानिस्तान के लोगों के लिए वायरस नहीं है, IMF कह रहा है कि प्लीज गेहूं दे दीजिए, ये लोग को बहुत बड़ा दिमाग हुआ है। ये एक्चुअली देखिए क्या है कि तुर्की क्या देख रहा है कि वो रूस के करीब है, तुर्की जो है वो अमेरिका को बैलेंस करके चल रहा है USA को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि तुर्की जो है रूस से सटा हुआ है और रूस के पास गेहूं की कोई दिक्कत नहीं है, और रूस के इस एरिया में चेचन्या वाले एरिया में आराम से ट्रक से गेहूं आ सकता है तुर्की में, तो ये देख रहा है कि इसी बहाने हम तुर्की देख रहा है रूस से व्यापार बढ़ा लेंगे
और अपने आप को हीरो बनने के लिए भारत का गेहूं वापस कर दिया है। यही गलती किया था मलेशिया, यही गलती किया था इंडोनेशिया पाम ऑयल को लेकर। इनको घमंड हो गया था पाम ऑयल को, आज इनका पाम ऑयल कोई खरीद ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये लोग कह रहे हैं कि पाम ऑयल खरीद लो। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में ईगो नहीं दिखाना चाहिए इनको, ज़्यादा ईगो इनको महंगा पड़ जाएगा वहाँ पर। मत लो गेहूँ, कौन मर, हम लोग के यहाँ गोदाम का कमी है। तो आप ये समझ गए होंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, फ्लेक्सी फ्यूल क्या है और क्यों हम लोग इसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये अच्छा भी है, हमारे बचे हुए खाना या जो अनाज बर्बाद हो जाते हैं, अनाज टूट फूट जाते हैं जैसे चावल वगैरह का दाना, तो उसे इजीली इसे दोबारा फर्मेंटेशन यानी किड़वन करके बनाया जा सकता है, जो काफ़ी अच्छा भी है यहाँ पर। इससे देश को भी फायदा होगा, फॉरेन रिजर्व बचेगा। और आप लोग के लिए जो इतना भी एप्लीकेशन से क्लासेज हैं वो सब इनरोल कर दिए गए, दोबारा एक्सेस दे दिया जाएगा आप लोग को। और ये अभी नए बैचेज काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं एप्लीकेशन पर, आप लोग को जिन जिनका भी नियर में एग्जाम है वो लोग जाके इस पर इनरोल हो जाएंगे आप लोग को खान सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। और जितना जल्दी से जल्दी हो आप लोग कहीं जल्दी जल्दी सेटल होइए, नौकरी लीजिए और जल्दी से माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। ट्रूडल की कीमत इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा है और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले वक्त में जो है और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उसकी दूसरी साइड पर देखा जाए तो इंडिया जो एक स्टेप ले रहा है कि इथेनॉल और पेट्रोल को मिक्स करके इन फ्यूचर ऐसे इंजन कंपनीज की तरफ से बनवाए जाएंगे जो कि आपके यू नो ऑयल का इस्तेमाल जो है वो कम करवा दें, जो क्रूड ऑयल है उसकी जो है वो इम्पोर्ट कम करनी पड़े। तो मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि वो वक्त रहते हुए फैसले ले रही है। वेल मैं ये कहूँगी दिस इज अ गुड मूव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया आने वाले टाइम के लिहाज से अपनी चीज़ों को देख रहा है और मैं कहूँगी कि पहले से ही तैयार करता जा रहा है, वो एक बहुत ही रिमार्केबल है। क्योंकि आई थिंक एक इंसान जो आने वाले टाइम को पहले ही भांप लेता है वो ही एक अकलमंद होता है। और जिस तरीके से वो बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया में जैसे इन्फ्लेशन का एक हम लोग देख रहे हैं कि एक वेव आई हुई है इन्फ्लेशन की और हर बंदा परेशान है, तो किस तरीके से आने वाले टाइम को और ज़्यादा एडजस्ट किया जा सकता है या उसको लोगों के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो चीज़ बहुत अच्छी है। दूसरा मैं यहाँ पर बोलूँगी कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो क्रूड ऑयल है उस पर कम से कम डिपेंडेंसी हो, क्योंकि अभी जो हम लोग आज का टाइम देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही यही आ रही है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पूरी दुनिया को ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है कि आपके पास जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, मतलब आपको प्राइसेस में इतना ज़्यादा एक यू नो एक हाइक नज़र आ रही है कि उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है बाकी सारी चीज़ों पर पड़ रहा है जो कि एक आम नागरिक सफ़र कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि उन सब सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए अभी ये स्टेप्स ले लेना और जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनको भी फिर बाद में इस चीज़ से आगाह कर देना कि अब आप इस तरीके के इंजन बनाएं कि जहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें और इनको अपना सकें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये वन साइडेड चीज़ें नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट की भी सपोर्ट लोगों को मिल रही है कि आप ये काम करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो एक जुगलबंदी बन जाती है वो लोगों के लिए बड़ी आसानी पैदा कर देती है। यार सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपनी पेट्रोल पे जो है डिपेंडेंसी कम करना चाह रहे हैं और आप जो इथेनॉल बनाना चाह रहे हैं उसके लिए जो है आप अपनी लोकल प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि बाहर से मंगवाया जाए या फिर महंगे दामों में चीज़ें खरीदी जाएँ। आपकी कोशिश ये हो रही है कि भाई अपने मुल्क में जो है अपने सेटअप से लगाए जाए, अपने प्लांट्स लगाए जाएँ और वहाँ से इथेनॉल की प्रोडक्शन करके फिर उसमें पेट्रोल मिक्स करके लोगों तक जो है वो सस्ते दामों में पहुँचाया जाए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जैसे जो है खान सर ने बात की कि आपके किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, फिर किसानों के साथ साथ अगर बात की जाए तो आपके जो लोकल लोग हैं जो कि आम रूटीन में इतना महंगा पेट्रोल बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं, महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं, उन्हें एक सस्ती जो है चीज़ मिलेगी। और उसका जब एक चीज़ सस्ती मिलेगी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर देखा जाए तो हर चीज़ पर जो है उसका फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर बात की जाए तो इंडियन गवर्नमेंट का एक और बहुत अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने जो है ऐसी चीज़ें जो कि उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस उन्होंने की है और लेकिन उसके जो है एक्सपोर्ट पे उन्होंने बैन लगा दिया है ताकि इन फ्यूचर जो है अगर कोई इस तरह का क्राइसिस सर उठाने की कोशिश करता है तो आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हों और आप जो है वहाँ से वो जो है डिमांड और सप्लाई जो है वो मीट कर पाएँ। फिर एक और चीज़ जो है मुझे अच्छी लगी कि जितना भी अनाज हम वेस्ट करते हैं, क्योंकि भाई हम इंसान हैं, भाई हम बेशक जितने मर्जी अच्छे
वजह ना कहीं आके थोड़ा बहुत खाना वेस्ट हो ही जाता है। तो आपका वेस्ट किया हुआ खाना जो है वो इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, जो कि मेरा ख्याल है कि आप एक वेस्ट को कहीं पे ढेर लगाने के बजाय उसका एक प्रोडक्टिव वे में उसे जो है इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मुझे ना आज के टाइम में ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि हम लोग इथेनॉल के बारे में आज पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने देखा है जिस तरीके से मतलब डिफरेंट कंट्रीज जो है वो गार्बेज से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रही हैं, फिर उसके बाद जो पानी है उसको भी फिल्टर करके डिफरेंट समुद्र का पानी इस्तेमाल किया जाता है। मैं भी सॉरी आपको इंटरप्ट करती हूं, रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि समंदर के पानी को फिल्टर करके जो है कुछ कंट्रीज वो कल्टीवेशन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट यही है कि ये चीज आज के टाइम में सबसे अच्छी हो रही है कि कोई भी चीज वेस्ट में नहीं जा रही है, आप उसके ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। और मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगी है कि जहां पर वाकई में अनाज का आप वेस्ट नहीं करेंगे, आप उसको किसी ऑल्टरनेटिव जगह पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके किसानों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी फसल जो भी आप प्रोड्यूस करते हो उसमें मतलब सीजन नहीं भी आपका उस तरीके से जाता, तो किसानों को अक्सर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए एक तरह से इनकम जनरेट होगी। फिर जब इथेनॉल के प्लांट्स लगेंगे तो जो आम लोग हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और फिर उसके बाद डेफिनेटली जो बाकी कंट्रीज हैं जो वो भी इस साइड पर आएंगे तो उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा जब, तो उनको भी ये फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। दूसरा मैं बात करूंगी वीट के बारे में, हम लोगों को पता था, मुझे चावलों के बारे में नहीं पता था कि चावलों की एक्सपोर्ट पर भी बैन कर दिया गया है, और चीनी का तो अभी मुझे पता चला, बट आई थिंक दिस इज अ गुड मूव, क्योंकि आने वाले टाइम के बारे में अगेन मैं कहूंगी कि आपको पहले से फोरसाइटेड रहना चाहिए, अपने लोगों में कोई किसी इस तरह के फूड क्राइसिस नहीं आए, मुझे लगता है कि आपको बैलेंस रख के चलना चाहिए। और जहां तक टर्की की बात है तो मैं आज पढ़ रही थी, और समटाइम्स मुझे बड़ा ना एक वो लगता है कि लाइक जो चीज मैं पहले पढ़ रही होती ना उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ मुझे वीडियो में देखने को मिल जाता है। और आज मैं अभी मौजम को भी ये बात बता रही थी कि टर्की में इन्फ्लेशन 73% है, हाई हुई है, यानी कि पिछले 24 सालों में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन चल रही है अभी के टाइम में। और मैं बिल्कुल खान सर की एक बात से अग्री करूंगी कि आपके जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ताल्लुकात होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, आपको उसमें ईगो नहीं दिखानी चाहिए। आई थिंक ईगो की वजह से ही हम लोग रशिया और यूक्रेन की वॉर जो है वो पूरी दुनिया अभी सफर कर रही है, और इवन की हिस्ट्री भी उठाकर देखें जितनी भी वॉर्स हुई हैं उसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं पर किसी बंदे की ईगो ही नजर आई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ा है उन चीजों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कंट्री से बनाने के लिए या दूसरे कंट्री के उसके अगेंस्ट जाने के लिए आपकी स्ट्रैटेजीज इस तरह की नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मुझे इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत अच्छी लगी है कि इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले देखता है, और फिर उसके बाद अगर मतलब जो बाकी चीजें उसमें काफी ज्यादा वो न्यूट्रल रहता है। तो आपका स्टांस आई थिंक बहुत क्लियर होना चाहिए अपनी चीजों को लेकर। मैं अभी कल जो है वो प्रशांत सर की ही वीडियो का मैंने टाइटल देखा था कि जो तुर्की ने वीर छोड़ी है वो इजिप्ट ने खरीद ली है। ओके, वैसे मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि अभी जैसे पाकिस्तान में एक क्राइसिस चल रहे हैं, तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब वीट के बारे में मैंने मतलब हम लोगों ने वीडियो देखी थी इंडिया की, कि जो IMF है वो भी इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप वीट जो है वो एक्सपोर्ट करें, तो मुझे मैं यहाँ घर पे भी बात कर रही थी अपने फादर के साथ कि ये बहुत एक अच्छा स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट का कि वो किस तरीके से अपने लोगों के बारे में सबसे पहले सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपने लोगों के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए, फिर उसके बाद ठीक है आपको दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास खुद होगा कुछ तो आप दूसरों की हेल्प कर सकोगे ना। तो आई थिंक बाकी ये कि दुआ कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में दुनिया के जो हालात है वो थोड़े बेहतर हो जाए, क्योंकि अभी तो बहुत ही मुझे लग रहा है कि हर तरफ हम लोगों की इन्फ्लेशन की एक वेव बहुत ज्यादा नजर आ रही है। और बाकी आप जरूर बताइए इसके बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में कि आपको क्या सोचना है। और इसी के साथ हमें गुड बाय।